Hi friends, my name is Prince Sharma and you are watching The World. Friends, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर के बारे में, मतलब कि पानी के बारे में और बारिश के बारे में, रेन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ, आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा रेन के बारे में, बारिश के बारे में। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो इस वीडियो से, तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो में कमेंट करना है जय हिंद या फिर जल ही जीवन है ऐसे, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि वाटर साइकिल के बारे में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत वाटर साइकिल से करते हैं कि जो धरती के सरफेस पे जो पानी होता है, वह सूरज की किरणों के कारण, सूरज के ताप के कारण वो पानी का इवापोरेशन होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। और वही पानी वाष्प बनकर, भाप बनकर, वेपर बनकर वह एक कंडेंस रूप ले लेता है, जिसको हम क्लाउड बोलते हैं। और वही क्लाउड जब ठंडी हवा के साथ उसका ताल्लुक होता है, उसका जब मिलन होता है, तो वह भारी हो जाता है और वह पिघल के वह नीचे की तरफ, एक तो ग्रेविटी उसे ले आती है और वह खुद ब खुद वह भारी होकर नीचे आने लगते हैं। तो ये जो है आपका सिस्टम बोलते हैं वाटर साइकिल। दोस्तों, बारिश का नाम सुनते ही एक मन में एक अजीब सी आहट जाती है, एक मन बहुत ही आप बहुत ही मन खुश हो जाता है कि चलो बारिश आने वाली है, मौसम ठंडा होने वाला है, मौसम मतलब कि बोले तो मनमोहक होने वाला है। दोस्तों, बारिश किसे अच्छा नहीं लगता है, और यही बारिश कभी कभी इतना तेज होता हो जाता है कि बाढ़ का रूप ले लेता है, जिससे जान माल का भी नुकसान हो जाता है कभी कभी। दोस्तों, बहते हुए नदी या नहर को हम पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, इसलिए गंगा को मैया कहा गया है। दोस्तों, जो पानी का भाप में परिवर्तन होने का जो माजरा है, वह सिर्फ नदी नहर तक ही सीमित नहीं है। वह अगर कोई ओपन नाला है, कोई ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, वहां से भी पानी वाष्पीकरण बनके, वेपर बनके वो बादलों का रूप ले सकता है, वो पानी फिर वापस नीचे आता है। तो अगर उस पानी को कोई पी लेता है या उस पानी में कोई नहा लेता है, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर उसे बुखार हो जाती है। दोस्तों, फैक्ट्रीज का पानी जो शहर के बाहर जो उसको आउट कर देते हैं फैक्ट्री वाले, उसमें भी बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है और अलग हार्मफुल एजेंट होते हैं जो मैरीन एनिमल्स को, जो जल वाला जीव है, उसे हानि पहुंचा सकता है और कहीं ना कहीं इंसान को भी यह हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि फैक्ट्रीज का जो पानी जहां पे आउट किया जाता है, उसका मिलान कभी नदी या नहर में होता है या फिर समुद्र में होता है, तो ये कहीं ना कहीं वो वापस ये घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। दोस्तों, बारिश किसे अच्छा नहीं लगता है, बारिश तो सबसे ज्यादा बच्चों को अच्छा लगता है। जब बारिश होता है तो मानो बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको एक नए जीवन की प्राप्ति हो गई है, वो इतना खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई गिफ्ट मिल गया हो, कोई उपहार मिल गया हो, तो बारिश का भरपूर आनंद उठाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लड़का शाहरुख खान के स्टाइल में किस तरह बारिश का मजे ले रहा है, बारिश का आनंद ले रहा है। लेकिन यही आनंद, यही मजा कभी कभी सजा में भी परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, बारिश के पानी में नहाने के बाद कई बच्चों को हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनका सर भारी होने लगता है, दर्द होने लगता है और उनको और भी समस्या हो जाती है, जैसे कि सर का गर्म हो जाना, बदन का गर्म हो जाना। कभी कभी बहुत बच्चों को तो नाक भी बहने लगता है बारिश में भीगने के कारण,
इसका यह मतलब नहीं है कि बारिश का पानी ठंडा होता है, इसका मतलब यह है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, बारिश के पानी से आप इन्फेक्टेड हो गए हो, आपको रेस्पिरेटरी का यू नो डिजीज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, नोज ब्लॉकेज हो सकता है, इसलिए बारिश के पानी में जितना हो सके आप बचिए उससे। और कई बच्चों को तो यहाँ तक बारिश के पानी के कारण फीवर तक हो जाते हैं, उन्हें बुखार तक हो जाता है और इस कारण उन्हें स्कूल को छोड़ना पड़ता है 3-4 दिनों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक ही है, फायदेमंद कभी नहीं है। मतलब कि बारिश का पानी खेतों के लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि जो खेतों में जो पानी जाता है बारिश का वो फिल्टराइज हो जाता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के एक क्वालिटी होती है, एक कैरेक्टर होता है मिट्टी का जो पानी को फिल्टर कर देता है, तो मिट्टी जो है पानी को फिल्टर करने के काम में भी आता है। इसलिए कहते हैं कि चापाकल का पानी पीजिए, नल का पानी पीजिए या फिर कुएं का पानी पीजिए। हालांकि आजकल कुएं का पानी उतना प्योर नहीं माना जाता है, लेकिन पहले कुएं का पानी का ही बहुत ही हर चीज़ में यूज किया जाता था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट करें, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मैं प्रेम शर्मा आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।